किसी महिला को, दूसरी गर्भवती महिला को इस तरीके से पीटते हुए देखा है। ये जिनकी पत्नी है उनके पति इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर रोते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये कुछ महीनों बाद पिता बनने वाले थे। इनकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी और इस पूरे के पूरे हमले के बाद, इस मामले के बाद इनकी जो पत्नी है उनका गर्भपात हो चुका है। आखिर कौन ये महिलाएं हैं जो इस तरीके से दूसरी महिला को मारती हुई, पीटती हुई, जमीन पर फेंक कर उसके पेट में लात घुसे मारती हुई नजर आ रही है? क्या ये पूरा मामला है वो हम इन्हीं से जानेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। भैया आंसू आप साफ कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन पहले ये बताइए, आपकी पत्नी के साथ आखिर ये हो क्या रहा है? कौन ये महिलाएं हैं जो इस तरीके से गर्भवती महिला को मार रही हैं? ये मेरे चचेरे भाई की घरवाली है जी, और उसके साथ एक उसकी पड़ोसन है पूनम स्नोप स्वरूप होल्ड की लड़की है जी। तो ये अपना पेट में कुछ दर्द तकलीफ थी, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जा रही थी जी। मेरी ये साथ में छोटे भाई की बहू भी थी, तो उन्होंने उसको रस्ते में गिराव करके अपना गिट्टी गोटी है जी, नाड़ पे सारे निशान है जी, हॉस्पिटल में भी दाखिल है। और जी उसको नीचे गिरने के बाद उसको लाते लुते मारिया जी बिल्कुल। आपकी पत्नी का नाम क्या है? पीना है जी, पीना। पीना, हाँ। आप रहने वाले कहाँ से? गांव बरास से जी। गांव बरास से, हाँ जी। तो ये कब की बात है, ये कब हुआ था ये हमला और क्यों हुआ था? 31 तारीख का हुआ था जी, 31 तारीख को। कितनी महिलाएं थी जो ये मारपीट? दो थी जी, दो महिलाएं। हाँ जी, एक कृष्णा वाइफो महावीर, और एक पूनम है जी, पूनम स्नोप रामस्वरूप ओड। ये रिश्ते में कौन लगती है आपकी? एक तो मेरे चचेरे भाई की बहू है जी, और एक हमारी पड़ोसी है जी, वो हमारी बरादरी से जेठानी लगी रिश्ते में, जो भाभियां बोलती हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक जी देरानी थी जी, और एक ये पड़ोसन थी जी, साथ में दूसरी बरादरी से है जी। हाँ जी, इन्होंने ऐसा क्या हो गया कि एक महिला ही महिला की दुश्मन बन के लातों से मार रही है, वो भी एक गर्भवती महिला को? शर्म नहीं आई इन लोगों को? मैडम जी वो तो इनसे पहले भी मिली थी एक बार, 4-5 दिन पहले उसको वैसे ही फोन निकाल के, फोन लगा के कान पे बोली थी तेरा नाश कर दूंगी। तो उन्होंने फिर ये नाश किया। हम इस बात को ऐसे समझते रहे भाई, शायद फोन पे कहती होगी अपने आप किसी और को, तो उसने तो सुलह बना रखी थी भाई ये किस टाइम घर से निकले और ये काम करना है। ये अकेली थी आपकी पत्नी जब घर से निकली थी? ये दोनों थी जी, ये दोनों आप साथ में थी इनके पत्नी के साथ? क्या नाम है मैडम आपका? रुस्तम जी। क्या हुआ, क्या था, 31 तारीख को कहां जा रही थी, कितने बजे की बात है, और ये कहां का मामला है जो वीडियो हमने देखा? ये गांव ब्रास का मामला है, जिस 4:15 का मामला। हम ना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए करनाल आ रहे थे, उसकी बहन रहती है यहाँ पे, मेरी जेठानी की बहन रहती है वहाँ पे। हम उसके पास आ रहे थे क्योंकि उसके पहले भी कई बच्चे मिसकैरेज हो सके हैं, इसके लिए हमें डर सा लग रहा था, और हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आ रहे थे। वो हमें रास्ते में मिली और उन्होंने ये किया। कहाँ की घटना है ये पूरी की पूरी? गांव बरास की। बरास की है, अभी आप घर से निकले थे और गांव में हुआ जी। कौन लगते हैं रिश्ते में जो ये महिलाएं मार रही हैं, और कितनी महिलाएं थी टोटल? 2 महिलाएं थी जी, एक मेरी जेठानी लागज, मेरे पिछड़े के लड़के की बहू, और एक पड़ोस में थे जी पूनम मोडल छोरी जी। इनका क्या नाम है जिनको, जिनके साथ मारपिटाई हो रही है? मरटाई पीना है जी, मेरी जेठानी। आपके रिश्ते में कौन लगती है? मेरी जेठानी है जी। जेठानी लगती है, आप दोनों ही जा रहे थे साथ? हाँ जी दोनों। तो जी। ऐसे क्यों मारा उन्होंने, वो तो रिश्तेदारी है, ऐसे क्यों मार रही है वो? वो इसलिए क्योंकि उस मेरे घर वाले ने, उसके घर वाले को 2.5 लाख 2.75 लाख रुपए द्वार के थे, मेरे जेठ ने भी, मेरे घर वाले ने भी, इसलिए मेरे जेठ को, महावीर को दिलवाए थे, और वो फरार हो गया। उसके घर वाले ने हमारी दरखास्त दे दी कि इनने गुम कर रखा जी वो, इसीलिए मारपीट किया जी उन्होंने। यानी कि जो ये मार रही थी, इनके पति फरार हो गए, और ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने फरार करवाया? हाँ जी, इन्होंने दरखास्त दे रखी जी, मारे कह रहे इन्हें गुम करवाया जी। एक बात बताओ, हम ही पैसे देंगे, हम क्यों गुम करवाएंगे जी उन्हें? हमने अपने पैसे दिए थे, और क्यों पैसे दिए थे ये जी? उन्होंने एक कंपनी में से लोन लिया था, मुस्कान कंपनी में से, एक और कंपनी है कौन सी है वो मैं नाम नहीं जानती। उनके मैसेज भी हमारे पास, कह रहे थे भाई इस बंदे ने लोन लेके फरार हो रहा, जिस किसी ने मिला इस पर फोन करियो, उन्हें तब भी नहीं बात माननी। मर्जी से भागे हैं घर से या क्या हुआ है? घर से भागे जी वो। कितने पैसे ले गए? वो हमारे तो 2.75 लाख है जी, और भी जी बंदे की 2.75 लाख दिए ही, अलग अलग किस्तें दिए क्या? अलग अलग दे रखे हैं जी। आपने कितने दिए भैया उनको पैसे? मैंने दे रखे जी, मैंने 1.5 लाख रुपया दुआ रखे जी उससे, और उसने चेक भी दे रखे, 2 चेक दे रखे, तहसील में लिखवा रखा, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी है जी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है जी, उसकी वीडियो भी है जी, और 2 चेक दे रखे उसने, तहसील में भी लिखवा रखे जी हमने। आप कौन लगते हैं रिश्ते में इनके?
मेरे चाचे का लड़का जी हूँ महावीर, जिसने पैसे लिए हैं 1.5 लाख रुपया ले रखे हैं, उसने 2 चेक दे रखे हैं, तहसील में लिखवा रखे, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो है, वो ये बोल रहा है रिकॉर्डिंग में 10 तारीख ना सारे फाइनल कर दूंगा। वजह चाहे कितनी भी बड़ी हो, किसी महिला को इस तरीके से दूसरी महिला को मारना चाहिए और वो भी गर्भवती महिला को? बस उसने नहीं सोचे जी अपना आप ही कटन लग रही, भाई उसने मारे वाले ने टोका लिया, वो कहाँ है इस करके दोनों जारी थी जी। हाँ पुलिस वाले भी यही कह रहे जिनको आप उसको टो थारे ऊपर कार्रवाई होगी, ये होगी। एक ही लड़का है जी, एक लड़का है, कितने साल का? 7 साल का जी। तो ये दूसरा बच्चा होने वाला? ये दूसरा बच्चा होने वाला था। दुख है काफी बच्चा? काफी दुख, दुख तो मैडम जी बस इससे भी ज्यादा दुख क्या होगा, जो इतनी साथ हमारे साथ बेदर्दी करी बच्चे के साथ, घर वाले के साथ भी जी। आप कह रहे हैं आप ही ने पैसा दिया, नुकसान भी आप ही का हो रहा है? हाँ जी, ये छोटे भाइयों ने पैसा दिया था जी, मेरे को तो पैसे के बारे में भी नहीं पता कब दिया कब लिया, तो मारे ऊपर इल्ज़ाम रख रखा है कि भाई मारा आदमी गायब कर रखा है, उसकी माँ की रिकॉर्डिंग है, उसकी माँ की ये रिकॉर्डिंग है, बोल रही है कि भी थारे पास से जाने के बाद आया है कई बार घर पे, आया फोन किए उसने, तो उसकी माँ साफ रिकॉर्डिंग कर रही है, साफ हमने ये जो माँ भी आता है फोन करता है जी अपने घर वालों के पास, तस्वीर भी है जी, और ये आदमी ने ऐसा गुना कर रखा है जी हमारे साथ, ये रड़ मिल के जिनकी गैंग है सारी, इसकी घर वाले की, इसकी माँ की, इसके बाप की, आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई? पुलिस में कंप्लेंट तो निसंग थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है 31 तारीख के बाद आज 3 तारीख? पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं कार्रवाई की जी, हम बोल रहे हैं भाई उसके बयान ले लो जी, कम से कम बयान लो, तो बोल रहे हैं मेरे 2 टुकड़े कर लो। ये जिसका लोन लिया था इसने, अरे ये फरार हो गया था, ये लोन है जिसका, ये लोन लिया था। हाँ जी, उन्हें 3 लाख आप ही के परिवार ने दिए, बाकी बाहर वाले लोगों से भी उठा के दिए? हाँ बाहर वाले से भी ले रखे जी। ये पैसे अब कौन पूरे करेगा? केप था भी जो उसके जुम्मेवार तो मैं हूँ, जो मैंने दुआ रखी है इससे। आपने कितने टोटल दिलवाए बाहर से? मैंने 1.5 लाख दुआ रखे जी। किस नाम पे? प्रवीण है जी होंग द्वारा, उसके नाम था, उस पता पैसे दिलवाए थे, लेकिन अब उनके तो आप कुछ चुकाने पड़े। हाँ वो तो मेरे घर आ रहे, मैंने उनके कुछ चुका भी दिए इन सारी चीजों के। हाँ जी दे रखी है जी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? मैडम जी मैं तो इंसाफ चाहूँ, जब मैंने एसपी गंगाराम पुनिया से कुछ कहना चाहिए, यही चाहता हूँ कि जनाब जो भी थाने में आप इंक्वायरी तो करते रहे करो, कम से कम 8 में 10 में 3 अपने एस एच ओ की, अपने पुलिस परिसर की खबर लेनी चाहिए, भाई कौन आदमी कैसे बातें करते हैं, सही से काम नहीं हो रहा जी। मारे को ये बोल रहे हैं अभी बंदा टोके ले आओ, इनके घर नहीं जाना है, इनके रिश्तेदारियों में जाना है, टोएंगे कहाँ? पुलिस ने बोला जी कि उसके घर नहीं जाना है और उसके टोके ले आओ, हम कहाँ टोए मैडम जी, जहाँ भी मारे को पता लगा थोड़ी खबर मिली, ऐसा भी मारा बंदा भी हम टोक ले आवेंगे जी, तो कह रहे हैं जहाँ जा तुम बंदा टोका ले दो थर या नहीं थर 20-20 साल खतर तुम गए। हाँ जी इस टाइम तकलीफ में क्या जी, बिल्कुल मरी पड़ी है, तो एक बार जो उससे मिलो तो आप खुद जान जाओगे उसके दिल में क्या रही इस टाइम जी। है जी मैं उसको मिल नहीं सकता, उसकी उसकी शक्ल देखना तो चाहता हूँ, लेकिन उसको देखूंगा तो मैं रो पड़ूंगा उससे पहले। और पति ने और एक पिता ने, यानी कि एक पति ने तो अपनी पत्नी को उस हालत में देखा है जो पति कभी देखना नहीं चाहेगा। आप देख सकते हैं अभी भी आंखों में आंसू है, आसपास जो महिलाएं इस खबर को देख रही हैं उनके आंखों में आंसू है कि आखिर किस तरीके से एक महिला, चाहे कारण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो खुद माँ बन चुकी है वो दूसरी माँ की तकलीफ समझती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महिला ने दूसरी गर्भवती महिला की जमकर पिटाई की है, जिसके बाद उसका गर्भपात हो जाता है और जो होने वाले बच्चे के पिता थे वो किस तरीके से करनाल के कल्पना चावला में रोते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।